व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है और डर नहीं लगे आप जानते कैसे वो काम किया करते हैं, उचित काम क्या करते हैं, ये सवाल है। इनको किसी का डर नहीं है, सभी तो बात करते रहते ही कहीं शंकर जी का रिश्ता में मान लिया फंसा कहीं जाट पर जाता है, लेकिन हमारे अंदर जो है अपने भाई का डर है तभी प्रमाण लगता है। कहीं नहीं सकता तरह वीर डर लगे बचन जनवान नाई राम पद कमल श्री भोले की राह प्रमाण। हम अपने पिता के चरण छू कर भी बोलते हैं और परशुराम के चरण से बोले हैं कि धरती पलटेंगे इसे पूछो कि उसे तुमने मैं किसके हाथ धोए किसके पैर धोए, लेकिन हम जब बोलते हैं तो पैर धोते हैं कैसे तुमने बच्चे ब्रह्मांड को खोलने की बात की है। पंडित जी हम भी चिंतन करो हमने क्या कहा, रघुवंशी मोह जातो होई तेज समाज अस कहे कोई कहीं जनक जस अंचित वाणी विद्यमान बिल्कुल मन जानी सुनो मन कुल कुल कर भानो काम सुभाव नामक अभिमानु जो तुम्हारा अनुशासन पाओ पहले अनुशासन है। अगर आपका आदेश पा जाओ तो करूंगा क्या, कच्चे भले के समान ब्रह्मांड को कोई टालूंगा, लेकिन क्या आदेश मिला। अब तुमने अगर किसी का आदेश माना हो किसी के आदेश का पालन किया हो तुम्हारा कितना पड़ेगा। हमने कहा कच्चे खट के मजारा भोली सकम मेरी मुले के तोरी मैंने कच्चा खा रहा था ध्यान देना था भैया कच्चा खा जो होता है इसको छोड़ दिया जाए तो फिर से बन जाएगा, और जो पक्का खा होता है उसको अगर छोड़ दिया जाएगा तो क्या वो बनेगा। इस पर चर्चा नहीं करके बोलते हो भाई भाई को ध्यान दिया करो कि बालक के पानी है कच्चे खड़ी की सवाल हमने कहा है कच्चे खाद होता है बन जाता है और कच्चे की बात करता तो आप मानते तो ये बात आसमान या अंदर नहीं पाई। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था धरती में नौ प्रश्न है जो मैंने आप जानकर हम भी आ जाओ चलो अरे आप आ गए आप जानकर को जान सकते हैं धरती में नौ खंड है। हमने कहा था अगर आप धरती पर देंगे तो एक नावक खंड में रहता कौन है आप जानते होंगे इलाहाबाद खंड में मैंने कहा था रहता कौन है। मैंने कहा था कि पुरुष खंड में रहता कौन है अगर धरती पटोगे उनका क्या होगा, उस पर चिंतन किया आया नहीं आया। और खाली ये बता के हम श्रेष्ठ हैं कहते धनुष को तोड़कर फेंक दिया गया तो चादर डाल गए थे उन्होंने कहा चादर को डाल देना चाहिए था भूल चढ़ाना चाहिए था विसर्जन कर देते। अरे अगर ये हम सब कुछ कर देते तो आप क्या करते ये बताओ, अगर सब कुछ पहले ही कर दिया जाता और अब आप आते आपको धनुष न मिलता तो क्या होता। अरे तो इतने लोग बैठे सब बैठे हैं सभी नमस्कार लोगों का समझ लेते इसलिए राजा जंग ने धनुष को खोला दिया क्योंकि राजा जल जी का पता था स्वयं कुरान को दंड का घोड़ा राज समाज आज नहीं घोड़ा पुत्र भ्रमण के समय दे ही और फिर भी विचार करो ये नहीं कि चंद्र उधार करते कुछ उधार देते अरे धनुष को थोड़ा थोड़ा दे पाए जब भरत को देख रही थोड़ा रहेगा क्या अरे थोड़ा उसको फेंक दिया अरे बहुत और कदर धनुष तोड़ने वाला उसको लेकर के खड़ा था लेकिन धनुष को मुक्ति नहीं चाहिए ये धनुष को तोड़ने वाले की बात है धनुष को मुक्ति नहीं चाहिए धनुष को भक्ति चाहिए और भक्ति भैया द्वैत भाव से क्या हो सकती है द्वैत भाव से भक्ति नहीं हो सकती है चरण को तभी तो धनुष तोड़ने वाले ने दो तो खड़े कर दिए और वरुण धरती पर फेंक
क्योंकि बिना गीत के हम खुशी नहीं मिल सकते हैं। और रही बात धरती पर फेंकने की, तो धरती है क्या? धरती परमात्मा के चरण है और जो आसमान है ये परमात्मा की गोद है। तो अगर धरती पर तोड़ने वाले ने फेंका है तो क्या गलत बात है? अगर चरणों में भगवान की दान दिया गया है तो कितनी अच्छी बात है। शेष बताते हो अपने आपको, जी तो बताते हो, इतनी जानकारी नहीं रखते हो कि परमात्मा ने अपने चरणों में दान दिया। आसमान जो है ये बोध है, प्रमाण मिलता है ध्रुव संविधान जपे हरि नाम और पायो अचल अनंत। तो जो ये आसमान है ये परमात्मा की गोद है और जो पृथ्वी है ये परमात्मा की चरण है। तो ध्वज तोड़ने वाले ने तोड़ करके पत्ते पर डाला, कहा जो कहना था ध्वज तोड़ने वाला। और मैं कहता हूँ श्रेष्ठ है, इन्होंने कहा था अध्यापक बड़ा है, एक गुरु बड़ा है, कई बातें उन्होंने रखी थी, लेकिन सबसे जो बड़ा है वो है प्रभु। सबसे बड़ा जो प्रभु है, क्योंकि विश्वामित्र जी ने पुछाड़ा था और कहा क्या था, तब मुनिवर मन की विचारा और प्रभु हर मन में हारा, गाल तने मन चिंता व्यापी और हर की उम्र हर निश्चर पापी। तो भैया प्रभु श्रेष्ठ एक नहीं श्रेष्ठ है, प्रभु श्रेष्ठ है। अपनी बारी में आपका जो भी चिंतन हो वो स्थापित करें, अपनी बारी में दिया साधारण सा लोग जाते हो प्रभु श्रेष्ठ है या गुरु श्रेष्ठ है। गुरु गोविंद गौ खड़े, गुरु गोविंद गौ खड़े, काके लाभ कोई बलिहारी नहीं गोविंद दियो। तुम्हें गोविंद को श्रेष्ठ नहीं मानता, मैं किसे श्रेष्ठ मानता हूं? गुरु को। इसलिए मेरे प्राण राम साक्षात प्रभु, तुम्हें प्रभु श्रेष्ठ लगता है? मेरे गुरु है तो प्रभु का स्थान मिलेंगे। अच्छा देखो, चिंतन देखो, हरि उठे हरि 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 करने में लगे, लेकिन ये जमात को जनता में लगेगी
سور بھی ہو جان بھی ہو جنم چلے گا देखिए धरती की
पृथ्वी में नौ खंड है या पृथ्वी के नौ खंड है। अब हम पूछ रहे कि पृथ्वी के ये खंड कैसे बने, तो भाई भाई आओ, हमने पूछते मैं नहीं पूछना, तुम पूछ सकते हो। हाँ कौन कौन और पृथ्वी में पृथ्वी के हमने कहा प्रश्न नहीं करेंगे इसको बात करेंगे। अब अमीर ने कहा कि आप पृथ्वी में नौ खंड, तो पृथ्वी में नौ खंड नौ ही क्यों अपमान करके कोई व्यक्ति किसी चेत उसको उसका लेकर हमें सम्मान बहुत हो गया। ये बात हम कोई हमें सम्मान बहुत हो गया। कौन सरे से बड़े पूछ मैं पूछनी आता नहीं सम्मान सुनकर सबको में कोई कमी नहीं रही और फिर बात है ये क्या हो गया कि सम्मान ये नहीं किया था हमने अपने आप को कुछ नहीं जाना ये क्या सम्मान किसी बूढ़े के सामने जाओ किसी प्रश्न के सामने भयो भयो के सामने जाओ और जाके ऐसे करो अच्छा असोमनी उदंडता कर रहे हो तुम सम्मान सम्मान जो उसका प्रमाण पढ़ रहे हो वो सही मैंने दे दिया वो दो मैंने सही मैंने सुनी ये सम्मान ये क्या है ये क्या है और हम ये क्या कर रहे हो एक व्यक्ति चरण छुए और चरण छुए ऐसे कर रहे हो तो क्या कहा जाएगा सम्मान करो उसे सम्मान करो जरा ऐसे करो तो ये सम्मान राजकुमार लक्ष्मण जो किया उस पर चिंतन किया उसको चिंतन किया तो हमें बता रहे चिंतन कोई परशुराम धरती पर अटकेंगे परशुराम धरती पर अटकेंगे परशुराम को धरती कितनी पर अटकेंगे पर अटकेंगे आकार वगैरह घर में तोड़ने वाला फेफड़ा घर तोड़ने वाला ये मिले जाना छाया वाला को उल्टा को नहीं चारा जनक का प्रार्थना जनक को जहाँ बात है जहाँ की भूमिका करने की सुनाती पूछा मैंने कैसे कहा चोपे कहा यहाँ समझा चोपे कहा यहाँ समझा वह व्यक्ति समान छोड़ कर अलग हो जाए या समान उसे छोड़ कर अलग कर दे यदि ऐसा न किया गया न यदि ऐसा न किया गया तो सब राजा मारे जाएंगे कि जो घोषणा की है और वो हमारे के लिए घोषणा है आज हम देख रहे भी हम सोने वाले भी तो हाँ हम सोने वाले को देख रहे भी हम सोने वाला क्योंकि जहाँ का सूप है वही प्रयोग किया जाएगा तभी उसी सत्व के और मैंने सत्व का भाव रखा है कि है माँ बाबा को बोरा अब तो हमें प्रभु का पाठ कर रिप वाला रिप वाले से मैंने उनकी कर जो मैंने भाव रखा है उससे मैंने उनकी कर रहा और नहीं तो जो समान मंगल करे उसको करो राजकुमार लक्ष्मण मैंने तर्क रखा था महाराज आपने पृथ्वी पलटने की बात की है तो बड़े बड़े लोग हम चिंतन करते होंगे कि हाँ पृथ्वी राजा जनक का राज है